दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। आइए सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। इसे द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत गठित किया गया था। इसका निर्माण भारतीय वकालत को विनियमित करने तथा प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए किया गया था। आइए नजर डालते हैं इसके कार्यों पर। यह संस्था अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को तय करती है। यह अपने अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके विनियमन करती है। यह संस्था कानूनी शिक्षा के मानक तय करती है। यह ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है जिनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी डिग्री एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए योग्य होती है। यह संस्था अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उनके हितों की रक्षा करती है। यह अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोष का सृजन करती है। यह कानून सुधार को बढ़ावा देती है और उसका समर्थन करती है। इसकी संरचना पर नजर डालते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल पदेन सदस्य होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने गए सदस्य होते हैं। राज्य बार काउंसिल के सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। काउंसिल अपने सदस्यों में से 2 वर्ष की अवधि के लिए अपने स्वयं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आज के सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।